मुंबई कहने को तो सपनों की नगरी। मुंबई में लोगों की किस्मत चमक जाती है। बचपन से हर मूवी, हर सॉन्ग और हर नाटक में मुंबई के मशहूर लोगों के बारे में सुना था। और ये हूँ मैं अनुप्रिया। जानते तो होंगे ही मुझे, एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की जिसको लाइफ में बहुत कुछ करना था। ट्वेल्थ के बाद से छोटी मोटी जॉब करके अपना खर्चा चलाना, ख्वाहिशें पूरी करना। बट एक मिनट ये मत सोचना कि मैं घर वालों की सताई हुई हूँ। नो, मैं खुद की सताई हुई हूँ। अब सपने चादर से बाहर देखोगे तो चादर बड़ी तो खरीदनी पड़ेगी ना, और उसको खरीदने के लिए चाहिए थे पैसे। इंडिया में आज भी सिर्फ 50% एम्प्लॉयमेंट रेट है, और मैं लकी हूँ कि मैं चलो इस कैटेगरी में तो आती हूँ। टैलेंट की बात करूँ तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बट उम्मीद कभी नहीं छोड़ी अपना टैलेंट खोजने की। तो इसी उम्मीद से मैं निकली अपनी किस्मत आजमाने महानगरी मुंबई। द फर्स्ट डे इन मुंबई, चकाचौंध बड़ी, लोग बड़े, बड़े बड़े लोगों की, सेलिब्रिटीज़ का घर, वो सारे घर जिनके मालिकों की बायोग्राफी सुनकर मैंने मुंबई आने का डिसीजन लिया। वो वेट, इम्पॉर्टेंट बात तो बताना भूल गई, मैं एक पहाड़ हूँ, मतलब मैं उत्तराखंड से हूँ। बचपन से मैंने नेचुरल एनवायरनमेंट में जीना सीखा है, हरा भरा पहाड़ देखे हैं, क्योंकि सपने इतने बड़े देख लिए थे और मोटिवेशनल बुक पढ़ पढ़ के मैंने अपने माइंड के हर न्यूरॉन को बोल दिया था कि मैं जा रही हूँ मुंबई, जो होगा देख लेंगे। यस, जाने से पहले SBI में 2 लाख का आफ्टर डेथ का इंश्योरेंस भी कराया, सो दैट 0.001% मुंबई में कुछ हुआ तो घर वालों को कुछ पैसे तो मिलेंगे। इनिशियली मुंबई में डेज मेरे बहुत अच्छे कट रहे थे, क्योंकि एक छोटे से सिटी से इतनी बड़ी सिटी जाना बहुत चीज़ें न्यू थी मेरे लिए। इट्स गुड टू वर्क इन MNC एंड लोकल का ट्रैवलर, हो मज़ा आ रहा था, लाइफ सेट थी। बस मुंबई फ्लैट खरीदने की औकात नहीं हो रही थी मेरी, उसके अलावा सब कुछ ठीक था। तो रहना पड़ा मुझे अपने रिश्तेदारों के फ्लैट में, जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था, ठीक था, बट ज़्यादा देर में रह भी नहीं सकती थी। डोंट वरी अतिथि, तुम कब जाओगे वाला सीन तो नहीं हुआ एटलीस्ट मेरे साथ। कहने को तो मुंबई का लोकल फूड बहुत फेमस है। लोग कहते हैं मुंबई में जीना या रहना बहुत मुश्किल है, खाने का क्या है, 10 रुपए में तो वड़ा पाव भी मिल जाता है। बट मैन, अगर तुम पहाड़ों से हो, नॉर्थ से हो, तो वो वड़ा पाव पचाने के लिए भी हिम्मत चाहिए। डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था, रेगुलर पॉटी आना इतना मुश्किल हो गया था कि ऐसा लग रहा था संसार की सारी प्रॉब्लम एक तरफ और ये एक तरफ। जो मेरी बॉडी में हो रहा था वो मैं ही जानती थी। ना फूड डाइजेस्ट हो रहा था, ना गर्मी सहन हो रही थी, और ऑफिस से घर आते आते इतनी बैंड बज गई थी कि दूसरे दिन अगर ऑफिस जाने का सोचती थी तो मौत से भी ज़्यादा बड़ी सज़ा लगती थी। धीरे धीरे ये जो इनिशियली मुझे मुंबई में 3 घंटे का सफ़र अपने फ्लैट से ऑफिस जाने का अच्छा लग रहा था, धीरे धीरे मुझे लगा ये नर्क की सज़ा से भी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा था, तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं था। लोग तुम्हें धक्के मार के ट्रेन से बाहर निकाल रहे थे, लोग तुम्हें धक्के मार के स्टेशन से बाहर फेंक रहे थे, और ऐसे ही तुम ट्रेन के अंदर जा रहे थे। एक मिनट, मैं मुंबई की गर्मी के बारे में एक्सप्लेन करना तो भूल ही गई। मुंबई की गर्मी एक ऐसी गर्मी है जो तुम्हें गर्म भी नहीं होने देती और सिर भी खराब कर देती है, मतलब कि सनस्ट्रोक। डायरेक्ट सिर पे धूप पड़ती है, तुम पसीना पसीना हो जाते हो। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा था, पूरी गलियों में, पूरी रोड में सिर्फ मैं थी जो अपने पूरे मुंह में कपड़ा बांध कर घूमती थी। मैं जहां भी देखती थी लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। हाँ, ह्यूमिड की वजह से पसीना बहुत आ रहा था, बट लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मैं दूसरी तरीके की प्रॉब्लम में भी फंस चुकी थी, क्योंकि ऑफिस में AC था फुल और रोडों में इतनी गर्मी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिना कपड़े के ही भाग जाऊं। तो ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर से क्या पहन के जाऊं और फिर ऑफिस में क्या पहनूं, क्योंकि 3 घंटे के सफर में मैं क्या क्या ही कर लेती। बट फिर से मैंने अपने न्यूरॉन को घुमाया और ये समझाया कि बेटा यहाँ तो तुमसे नहीं होने का, वो जो बड़े बड़े सपने तुम लेके आए थे और बड़े बड़े लोगों को देख के आए थे, उन्होंने सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कराया, तुमसे इतना नहीं होगा। तुम एक काम करो, घर जाओ, जॉब करो अपने नॉर्थ में और मेहनत करो वहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे तुम्हारी बॉडी तुमको अलाउ नहीं कर रही है, तुम वहाँ पे मेहनत कैसे करोगे। ट्रांसफ़र लिया, नॉर्थ आई, यहाँ आके पता चला कि ज़रूरी नहीं है सपने बड़ी सिटी में पूरे होते हैं। सपने सपने होते हैं, सपनों को इनिशिएट करोगे तो छोटी से छोटी सिटी में भी आपके सपने पूरे हो सकते हैं। मैं वहाँ गई, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, बहुत कुछ सीखी लाइफ में, क्योंकि मैं लाइफ में भागती ही रही सपनों के पीछे कि चलो अब पूरा होगा, पूरा होगा। एक तरीके से अच्छा भी हुआ कि मैंने रियलिटी भी देख ली, और ये मेरी ज़िंदगी ने मेरे को सिखाया है अभी तक। बट आई एम नॉट डन येट, मैं वादा करके आई हूँ मुंबई से कि मैं जा तो रही हूँ लेकिन मैं बहुत जल्द आऊँगी, और जिस टाइम भी आऊँगी ऐसे आऊंगी कि मैं मरीन ड्राइव में खड़े होके तेज तेज से चिल्ला सकूं आमची मुंबई, और मुंबई भी मुझे एक्सेप्ट कर ले।
सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने मुंबई में फील करा, एंड ये मेरी और मुंबई के बीच की बात थी वैसे तो, जो मैं वादा करके आई हूँ, बट ये मुझे उन लोगों को बताना था, ये वीडियो शेयर करने का जो पीछे इंटेंशन था वो यही था कि जो लोग सपने देख रहे हैं छोटी सिटी से, ये सोच के कि वो बड़ी सिटी में कुछ बड़ा कर लेंगे, तो मैन और गर्ल्स प्लीज़ डोंट थिंक इन दैट वे, क्योंकि आप जहाँ हैं आप वहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ, और टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मैंने सीखा है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप जहाँ हो आप वहाँ से बहुत कुछ कर सकते हो। मुंबई इज़ नॉट एन ईजी टास्क, वहाँ रहना इज़ एक्चुअली नॉट एन ईजी टास्क, वहाँ की गर्मी, वहाँ का खाना इज़ एक्चुअली अ बिग डील, स्पेशली फॉर अस लाइक पीपल फ्रॉम नॉर्थ। बस यही छोटी सी वीडियो थी जो शेयर करनी थी। That's all for today guys. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe my channel, and we'll meet in next video. Bye-bye.